गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। टेक केयर, जय हिंद। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज 20 जनवरी, सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। तो दोस्तों, आज मैं फिर पहुँचा अपने यहाँ श्री सुल्तान चौक स्टेडियम कारगिल हेडक्वार्टर में। आज होगा हमारा फ्लैग होस्टिंग कारगिल हेडक्वार्टर में। तो अभी तैयारी चल रहे हैं, अभी यहाँ पे 11 बजे फ्लैग होस्टिंग होगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे तैयारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है। तो यहाँ पे एक स्कल्पचर बनाया है 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये स्नो स्कल्पचर है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है जिस आर्टिस्ट ने भी बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया ये। तो चले जाकर थोड़ा ग्राउंड का भी वीडियो मैं दिखाता हूँ। हेलो, कल तो शाम को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल ग्राउंड साफ किया हुआ था, लेकिन रात को फिर बर्फ गिरी तो फिर से साफ कर रहे हैं। अभी बर्फ थम चुका है, कुछ ही देर में यहाँ लोगों की भीड़ नज़र आएंगे आपको। तो अभी सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स वहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं मार्च पास का, यहाँ पे परेड का। तो अब ये देख सकते हैं विजुअल्स। फिर टेम्परेचर की बात करें तो इस -25 हो गए यहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम कारगिल में। तो तब भी लोग आए हुए यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में भी। दोस्तों यहाँ पर G20 स्कल्पचर बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि ये G20 समिट 2023 में हिंदुस्तान में होने जा रहे दिल्ली में प्रकृति मैदान में। तो हमारे यहाँ आज के स्कल्पचर भी शो किया हुआ है, G20 पूरा स्नो से बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है ये पूरा, जिस आर्टिस्ट ने भी बनाया बहुत ज़बरदस्त।
एसएसपी करगिल मोत्रा। Thank you.
बनाने के अलावा 58.5 लाख रुपए की लागत पर खिलाड़ियों को आइस हॉकी नंबर ऑफ प्लाटून 22 से 10 चल करने की गरज से आगे बढ़ रहे हैं। मार्च पास में हिस्सा लिए पुलिस कंटिंजेंट्स एक्सर्ट्स में और सरकारी वगैरह सरकारी स्कूल के तलबा और तालबा मार्च पास के खूबसूरत मनाजर दिलों को मसरूर कर देने वाली धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें परेड को लीड करने वाले डीएसपी हेडक्वार्टर मंजूर अहमद और सेकेंड इन कमांड इंस्पेक्टर जनरल। पहला काफिला लद्दाख पुलिस के जवान खाकी वर्दी में मलबूस बाजू हवा में लहराते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सब इंस्पेक्टर नवांग दुर्जे की क्यादत में सलामी मंच से आगे निकल रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये मंजिलें हैं कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और ये दूसरा काफिला लद्दाख पुलिस के खवातीन की टुकड़ी पुरकशिश और दिल फरेब अंदाज में बहुत ही खूबसूरत दे सकिए। तीसरा दस्ता जो कि यानी कौमी खिदमत अंजाम दे चुके जवाना ने अजीज जो कि लद्दाखी रिवायती गुच्छे में मलबूस इंतहाई जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथा प्लाटून एनसीसी के जवान अपनी मखसूस यूनिफॉर्म से भी तंग किए जूनियर ऑफिसर फिरोज अली की क्यादत में सलामी मंच की जानी बढ़ता हुआ इजहार हुब्बुल वतनी के धुनों पर कदम से कदम मिलाए हुए इंतहाई पुरजोश अंदाज में यौम जमहूरिया के पुरस्कार को मार्च पास में हिस्सा लेने वाले ये पांचवा प्लाटून बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बरूक करगिल के तलबा इमरान हुसैन की और प्लाटून कमांडर मोहम्मद इमरान फ्लाइट कमांडर के ठीक पीछे जमहूरियत की नवी रस्त की याद ताज़ा करते हुए जानी में मंजिल रवा गवा है। हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटा देते हैं, जालिम को मार भगाते हैं और मौत को आंख दिखाते हैं। श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में यादगार दिलों को छू लेने वाली मार्च पास में हिस्सा लेने वाले ये छठा कंटिंजेंट जो कि जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल से ताल्लुक रखते हैं प्लाटून कमांडर अली अकबर और फ्लैग कमांडर हसन अस्करी के कदमों को फॉलो करते हुए सलामी चबूतरे की जानी बढ़ रहे हैं। और सातवां दस्ता हाई स्कूल की जानी से तैयार करता फयाज अली प्लाटून कमांडर और फ्लैग कमांडर मोहम्मद अली की रहनुमाई में तिरंगे की जानी बढ़ रहे हैं। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। 26 जनवरी 1950 की उस अजीम दिन को याद करते हुए आजाद फजा में कौम मिल्लत की जानिब से तिरंगे के हुजूर सलामी पेश करने की गरज से आगे बढ़ता हुआ यह आठवां कंटिंजेंट मुतहरी पब्लिक स्कूल भरूच जिनकी क्यादत कर रहे हैं बागरीली और फ्लाइट कमांडर सुहेल अब्बास। तन मन मिटाए जाओ तुम नाम कौमियत पर, राह वतन में अपनी जाने लुटाए जाओ। और ये नवा काफिला मुतहरी पब्लिक स्कूल हायर डिपार्टमेंट वकील निशान हैदर की क्यादत और फ्लाइट कमांडर सजाद हुसैन के ठीक पीछे कदम से कदम मिलाए हुए मुल्क के तई जज्बा कुर्बानी दिल में लिए जोश व खरोश के साथ सलामी मंच से आगे गुजरता हुआ यौम जमहूरिया के पुरुष को मार्च पास के इस खसूसी कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले ये दसवां काफिला सवाब पब्लिक स्कूल भरू के तलबा अपने मखसूस अंदाज में रंग बिरंगे वर्दियां से वितरण किए। फयाज हुसैन प्लाटून कमांडर और जुल्फकार अली फ्लैग कमांडर के पीछे पीछे हुब्बुल वतनी के जज्बात दिल में लिए हुए मसरूर और शादमानी के साथ इंतहाई पुरजोश और हौसला मंदी के साथ आगे बढ़ता हुआ किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में कभी आए हम रुकते नहीं हौसले से उठते हैं। और ये 11वां दस्ता गवर्नमेंट हाई स्कूल लांकोर से ताल्लुक रखने वाली जिनकी क्यादत की शर्फ हासिल कर रहे हैं मुंतजर मेहदी और फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए गुलाम मेहदी और उनके कदम के निशान को फॉलो करते हुए ये प्लाटून तिरंगे के तई सलामी पेश कर रहे हैं। ए अहले वतन शाम व सहर जागते रहना, अगयार हैं आमादे शर जागते रहना।
भी मुस्तकबिल की जमानत एक सियासी और अमदील के पैगाम लिए हुए नौजवान तलबा ये पूरी 12वें नंबर पर गोमा करगिल पुलिस सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के तलबा पर मुश्तमिल है। पुलिस बैंड पार्टी जिनकी मखसूस शुरू से आज इस परेड और मार्च पास्ट के कार्रवाई को चार चार लगाने के करीब रोल निभा रहे थे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन की क्यादत में जवान नौजवान राह में खाई तो क्या हुआ मंजिल थी तो मेरे हौसलों में है तिरंगे गिरा है राह में तिरंगे की सही अपना इजहार मोहब्बत पेश करने की गरज से यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी है। आज की इस परेड पर सलामी लेने की सआदत हासिल कर रहे थे शुरू गया मोहतरम मकाम ICPP Minamarak. The officer as ICPP Minamarak has also worked day and night during the month of November-December 2022 while discharging his duties in minus temperature and regarding traffic at Dras Minamarak near Rojila Pass. Many rescue operations of stranded passengers at Rojila Pass were carried out under the close supervision of SHO PSC Dras. As a result, the SSB road could be kept up until the first week of January 2023. Dorje Gyatson, SHO PS Kargil, posted PS Plaskar. The officer as SHO PS Plaskar has been performing his duties delicately, dedicatedly and sincerely. Abdul Rahim Sabri, Senior Teacher High School Mushkudras. In the prevention and detection of crime,
with utmost dedication as a result of CS Kargil from the 3 number of theft burglary cases has recovered huge amounts involved in the crime from the burglars, and his performance has been lauded by the people of the area. Mohammed Hussain, Media Person, Information Department, Kargil. Mohammed Hussain engaged as a photographer in the Department of Information and Public Relations, Kargil. On 1-1-2021, since then he has been working with utmost dedication, sincerity and hard work apart from his media-related routine work. Kuffour Parade Commander Second and Inspector James Staten. Kuffour Ladakh Police Contingent Platoon Commander SI Mr. Nawab Dorje, please come on the stage and receive the cup. Female Platoon Commander SI Mr. Samuel Ladol. Female Platoon Commander, SI Ms. Sanjeev Ladol, please come on the stage and receive the cup from our teacher. Cup for Jilla Sainik Welfare Group, Platoon Commander Naik Mustafa Ali. यह जिला सैनिक वेलफेयर ट्रूप के प्लाटून कमांडर नाइक मुस्तफा अली आज के इस तकलीफ के मौके पर इनको एजाज किया जा रहा है एक कप के जरिए। कप फॉर फ्लैग हॉस्टर एसआई मिस्टर जाफर अली। मिस्टर जाफर अली फ्लैग हॉस्टर प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर जाफर अली फ्लैग होस्टर इस साल इस जिम्मेदारी से भी छूट रहे हैं क्योंकि इसी महीने इनकी रिटायर भी होने जा रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से उनकी सुपरविजन बिल्कुल नहीं। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट कारगिल हेड क्वार्टर कारगिल में आज हमारे यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया सीईसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज अहमद खान। तो चलिए जी इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।